हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोग केट टोकन के बारे में। मोग केट टोकन कॉइन मार्केट कैप पर टॉप गेनर्स यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा पंप होते हैं उनकी लिस्ट में मोग केट टोकन आया है। तो क्या ये टोकन स्कैम है? क्या ये रियल में इतना पंप हुआ है? इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। मोग केट टोकन की जो करंट प्राइस है वो 0.4063 डॉलर चल रही है और आज इसमें 424% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर आप इसकी यहाँ पर कल सुबह की या फिर कल रात की अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो 1.7 मिलियन डॉलर की चल रही थी एंड अभी फिलहाल बढ़कर 2 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 लाख डॉलर का इसमें फर्क आया है जिसमें ये 400% पंप हो चुका है। लेकिन अगर यहीं पर 7 दिन का ग्राफ देखते हैं तो एक बड़ा डंप हमें देखने को मिला था। 3 से 4 दिन पहले इसकी प्राइस 0.2005 डॉलर चल रही थी, 2 जीरो थे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 4 जीरो वापस से आ चुके हैं। अब जो नए यूजर है क्रिप्टो मार्केट को सही से नहीं जानते, कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए कौन सा कॉइन बाय नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कॉइन डाउन आ चुका है इसको बाय कर लेते हैं या फिर ये पंप हो रहा है इसको बाय कर लेते हैं। तो कभी भी ऐसे कॉइन्स में एंट्री ना लें। आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये पहले तो इसमें 4 जीरो थी, यानी कि 4 जीरो के बाद 1 7, उसके बाद पंप होते होते 2 जीरो इसने किल की, वापस से दोबारा डंप हो गए। यानी कि इतने बड़े डंप और इतने छोटे, यहाँ पर ये ऐसे टोकन स्कैम होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखेंगे तो ज्यादा इसमें वॉल्यूम में फर्क नहीं है। 2 मिलियन डॉलर पहले चल रही थी और 2 मिलियन डॉलर ही अभी चल रही है, यानी कि 2 जीरो किल करने के बाद भी ज्यादा वॉल्यूम इसमें नहीं है। तो ये कंपनी की तरफ से इसको पंप कराया गया है, इसका मतलब ये स्कैम टोकन है। आपको वॉल्यूम भी देखनी होती है। और यहाँ पर अगर आप 1 मंथ का ग्राफ देखते हैं तो 3 बार इसने 2 2 जीरो किल की है, साथ में यहाँ पर 22 सितंबर को 5 जीरो थी एंड इसका जो हाई लगाया इसने 0.005 डॉलर, यानी कि 3 जीरो किल कर दी। फिर 3 जीरो के बाद इसने दोबारा डंप लिया, फिर से पंप किया, फिर डंप किया, फिर पंप किया। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पंप और कितने बड़े डंप इस कॉइन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टोकन स्कैम है, इन टोकन्स में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लिस्ट है। तो किसी भी एक्सचेंज ने इसको लिस्ट नहीं किया हुआ है। यूनिस्वैप जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वहां पर आप इसको बाय सेल तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से इसको बाय सेल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बाय कर लेते हैं तो आप स्कीम में बच जाएंगे और ये एकदम से डंप आ जाता है और पंप होता है, तो आप फिर अगर बाय करने के बाद इसको सेल नहीं कर पाएंगे। एंड इसके ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं तो ट्विटर अकाउंट पर 9,946 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा कुछ अपडेट यहाँ पर नहीं है जिससे ऐसा हो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पंप हमें देखने को मिले। कुछ भी अपडेट इनके ट्विटर अकाउंट पर नहीं है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वो 2 मिलियन डॉलर की है और फुल्ली डिलीटेड मार्केट कैप 22.83 मिलियन डॉलर का है। टोटल सप्लाई 360 बिलियन है। आपको साफ साफ बता दूं कि इस कॉइन में एंट्री ना ले। जो यूजर इसको देखकर यानी कि इसके एक दिन को पंप 460% पंप को देखकर इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो इसको बाय ना करें। एंड बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो डंप आने का वेट कर रहे हैं फिर इसको बाय करने की सोच रहे हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में इस टोकन को बाय ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।